नमस्कार दोस्तों, मैया की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको काबली चने के छोले बनाना बताऊंगी। छोले बनाने की सामग्री में हमने लिया है ये कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर आधे आधे चम्मच है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, 2 चम्मच सब्जी मसाला है, छोटे चम्मच से लिया है सब्जी मसाला हमने, और 2 तेज पत्ता है, 4-5 लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है, 2 छोटी छोटी कटी हुई प्याज है, थोड़ी सी हमने जीरा और 8-10 दाने काली मिर्च लिया है, और इसमें पीसे मसाले में थोड़ा सा जायफल और जायफल, पीसे मसाले में 2 टमाटर छोटे छोटे साइज के, 2 टमाटर, 1 छोटी प्याज, 10 कली लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और दालचीनी, जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, और हमने थोड़ी सी बहुत थोड़ा सा 1 मटर के दाने के बराबर जायफल, और हमने कबाब चीनी 6-7 दाने कबाब चीनी ली है, 150 ग्राम हमने उबले हुए चने लिए हैं, 1 ये आलू हमने लिया है, आलू कच्चा है, आप उबला भी डाल सकते हैं। आलू हमने इसलिए डाला है कि आलू डालने से छोले में मिठास आएगी। अब मैं छोले बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर रही हूँ। कुकर में हमने थोड़ा सा तेल डाला, जैसा आप देख सकते हैं, ये तेल 50 ग्राम के लगभग होगा। तेल गर्म होने के बाद इसमें तेज पत्ता डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, तेज पत्ता थोड़ा सा जब पक जाए तो इसमें 5 लाल मिर्च हम डाल रहे हैं, सूखी खड़ी लाल मिर्च, लाल मिर्च तो हो गया। मैं इसमें थोड़ी सी जीरा और 8-10 दाने काली मिर्च, खड़ी काली मिर्च डालूंगी, और इसमें 2 कटी हुई प्याज, प्याज जब हो जाए हल्की गुलाबी ब्राउन कलर की प्याज होने के बाद इसमें सभी मसाले पड़ेंगे। प्याज हमारी ब्राउन कलर की हो गई है, अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच पीसे मसाले, सब्जी मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, और ये पीसे मसाले जो हमने रखे थे इसको डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे सभी मसाले मिक्सी से निकल आए। मसाला भूनते भूनते जब तेल अलग हो जाए मसाले से तो इसमें हमें उबले हुए काबली चने डाल देने हैं, 1 आलू जो हमने छील के रखा है कच्चा उसको डाल देंगे, उसके बाद सीटी लगा देंगे। मसाला हमारा भून गया है, इसमें से मसाले में से तेल अलग हो रहा है और मसाले में से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम अपने उबले हुए कच्चे ये आलू डाल देंगे और उबले हुए छोले डाल देंगे। इसको हम अच्छे से चला देंगे जिससे छोले में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और थोड़ा देर ढक देंगे इसे हम। ढकने के बाद जब ये छोले मसाले के साथ अच्छे से पक जाएंगे तो थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट इसको हम मसाले के साथ छोले को पकाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल के हम सीटी लगाएंगे। चना हमारा मसाले के साथ पक गया है,
अब इसमें हम 2 कटोरी पानी डालते हैं। दो कटोरी पानी डालने के बाद हम इसको सीटी लगा देंगे। 4 सीटी आने के बाद गैस ऑफ कर देंगे, अपने से ठंडा होने देंगे कुकर। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और कंप्लीट बाहर निकालने के बाद छोले को फिर इसमें हम कसूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे। कसूरी मेथी का स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है। मिनट हो गया है, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। इसको खोलकर हम देखते हैं छोले मेरे कैसे बने हैं। इसमें जो आलू है इसको हम थोड़ा मिक्स कर देंगे, हल्के हल्के हाथ से इसको फोड़ देंगे और थोड़े से चने भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको हम डोंगे में निकाल दे रहे हैं। छोले को हम डोंगे में डालते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी से इसको सजा दीजिए। फिर इसे छोले को आप प्याज लेकर के रोटी पूड़ी भटूरे चावल के साथ खाइए। छोले बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है छोले से। सब लोग छोले मिलकर के खाइए प्रेम से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। फिर आपको हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। राधे राधे।